किसी भी समाज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि समाज तभी चल सकता है जब उसकी इकॉनमी अच्छी हो। तो किसी देश की इकॉनमी पे हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि जो देश इकोनॉमिकली जितना सही होता है, मतलब इकोनॉमिकली जितना इंडिपेंडेंट होता है, उस देश की उतनी ही बोली चलती है। आप देख ही सकते हो जो करेंट सिनारियो चल रहा है कि बात उसी की चलती है जिसकी इकोनॉमिक सिस्टम अच्छी होती है। तो हम अगर अपने देश की इकोनॉमिक सिस्टम भी बात करें कि अभी कैसी इकोनॉमी है, तो हम देखें कि हमारा देश इकोनॉमी में बढ़ा कैसे है, कि हमारे देश की इकोनॉमी एक समय में कितनी ख़राब थी और उस समय से उभारा कैसे गया, हमारी इकोनॉमी भी कैसे उभारा गया, विभिन्न सरकारों ने कैसे इकोनॉमी में नए नए रिफॉर्म्स लाए, कैसे लाए। तो कभी भी हम बात करेंगे तो जो मेन रेफरेंस पॉइंट हम जब भी लेते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं कि आज़ादी के समय में, जब हम जस्ट आज़ाद हुए थे, उस समय हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी। क्लियर? तो इसीलिए चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि क्लास 11th में कितने चैप्टर है इकोनॉमी में और क्यों इम्पॉर्टेंट है वो चैप्टर सब। तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमें रेफरेंस पॉइंट देता है कि इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे रिफॉर्म आए इकॉनमी में, और रिफॉर्म आए और अभी हमारे इकॉनमी की जो स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा योगदान है इस पर्टिकुलर रिफॉर्म्स का। और उससे पहले उस रेफरेंस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि जब हम आज़ादी की जो आज़ाद जिस समय आज़ाद हुए थे, उस संध्या पे हमारी इकॉनमी की सिचुएशन कैसी थी, क्या क्या प्रॉब्लम थे और क्या क्या जो पॉजिटिव पॉइंट था, क्या क्या निगेटिव पॉइंट था, वो सब डिस्कस करेंगे। तो किसी भी इकॉनमी में जो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं उसी को हम डिस्कस करते हैं। जैसे तीन मेनली फैक्टर डिस्कस करेंगे हम, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड। और सर्विस सेक्टर उतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए सर्विस सेक्टर में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हम थोड़ा बहुत सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था, लिटरेसी रेट वगैरह देखेंगे, सेक्स रेशियो देखेंगे। देखेंगे देखो, ज़्यादातर हम इकोनॉमिक ऐसे टर्म जो डायरेक्टली इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, उस वैसे टर्म को हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली छह टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में, जैसे एग्रीकल्चर की स्थिति कैसी थी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था, इंडस्ट्रीज कैसी थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसा था। और ये सब में देखेंगे कि ब्रिटिश के आने से इन सब में क्या क्या प्रॉब्लम आए थे और आज़ादी के जस्ट समय कैसा पोजिशन था। चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें जो बीच में कुछ टर्म आएगा उसको हमें डिस्कस कर लेना है। जैसे बीच में टर्म आ सकता है कि दो टर्म आ सकता है कि बैकवर्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमी, इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो बैकवर्ड इकोनॉमी होता है ऐसी इकोनॉमी जिसमें जो सबसे जो प्रिमिटिव सोर्स का यूज करते हैं अपने किसी चीज़ को प्रोडक्शन के लिए। तो जो यहाँ पे प्रीडोमिनेंट रूप से क्या होता है, फार्मिंग। फार्मिंग की प्रिमिटिव टेक्निक है क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं होगी क्योंकि बैकवर्ड इकोनॉमी है। तो सिर्फ इतना उगाते हैं कि इसका पेट भर जाए, बस सब्सिस्टेंस के लिए कि मैं बस जी सकूँ, इतना खा लेते हैं। कोई प्रॉफिट मोटिव होता ही नहीं। प्रॉफिट मोटिव तब ना होगा जब थोड़ा डेवलपिंग होंगे या डेवलप्ड होते जाएंगे, तो प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सट्रीमली लो होती। क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या कहा जाता है कि एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, फूड मिल रहा है क्या नहीं, न्यूट्रिशियस फूड, हेल्थ, सब कुछ। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ क्योंकि इतनी बैकवर्ड है, जब खाने को नहीं मिल रहा है तो काहे का हेल्थ, काहे का न्यूट्रिशन, काहे का मतलब और जो चीज़ें होगी तो वो तो और नहीं मिलेगी ना। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है कि दो पॉवर्टी होता है, एक एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव पॉवर्टी तो थोड़ा बहुत सही भी है, लेकिन एब्सोल्यूट का मतलब एकदम बिलो पॉवर्टी लाइक, मतलब रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिल रहा, ये वाली बात हो जाएगी। तो ये होता है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी से थोड़ा नेक्स्ट फेज में आते हैं कि लाइफ अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इतना भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, इतना भी इंक्रीज नहीं हो रहा है कि सबको यूनिवर्सल हेल्थ मिल जाए, यूनिवर्सल एजुकेशन मिल जाए, इंश्योरेंस मिल जाए, ये सब बातें नहीं होती है, अभी भी नहीं हो रही। इवन इंडिया की बात करें डेवलपिंग इकोनॉमी, क्योंकि अभी भी बहुत इंडिया में पुअर पीपल है। उसके बाद बात करें डेवलप्ड इसलिए डेवलप्ड के बारे में बोलते हैं कि जो बेसिक फैसिलिटी होती है ना, जैसे हेल्थ, फूड, न्यूट्रिशियस फूड,
एजुकेशन, ये सब बेसिक फैसिलिटी उनको सबको मिल जाती है। और इसके अलावा वो बेसिक फैसिलिटी से ऊपर इनोवेट करने का ट्राई करते रहते हैं हमेशा, क्योंकि उनको पता है जैसे हमारे यहाँ बैकवर्ड है डेवलपमेंट, लोग रोटी कपड़ा के लिए ही लड़ते रहते हैं, या रोटी कपड़े में ही पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं कि ये पाना है, खाने 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 के लिए बुरी, तो स्किल लेवल पे काम कब करेंगे, वही ना। उसके बाद जो टर्म है, दो टर्म है, स्टैगनेंट टर्म है और एक है वाइब्रेंट। नाम से पता है स्टैगनेंट मतलब बहुत स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, कि बहुत लंबे पीरियड तक इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो है, तो कम देश बढ़ेगा ही ना, ना नहीं ना। और वाइब्रेंट का मतलब डायनेमिक है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, प्रोडक्शन का तरीका चेंज होता रहता है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक हमें नीचे भी मिल गया है, देखो यही वही लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर की स्थिति कैसी थी और एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम था जब हम आज़ाद नहीं थे, ब्रिटिश के अंदर थे, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, इंडस्ट्री सेक्टर, ऑक्यूपेशनल, फॉरेन ट्रेड, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहला हम टॉपिक देखते हैं एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहला प्रॉब्लम था कि प्रोडक्टिविटी भाई बहुत कम थी। सबसे पहले होता है कि दो टर्म होता है, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है प्रोडक्टिविटी। देखो जैसे मान लो एक एक हेक्टेयर ज़मीन है, एक हेक्टेयर ज़मीन है, प्रोडक्शन का मतलब हुआ इसमें 100 किलो हुआ, तो इसको इसको बोलेंगे प्रोडक्शन हुआ 100 किलो या 200 किलो। लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ पर हेक्टेयर कितना प्रोडक्शन हुआ, तो यानी 100 kg पर 1 हेक्टेयर, तो इसकी प्रोडक्टिविटी कितना होगी, 100 kg पर हेक्टेयर, यानी इसकी प्रोडक्टिविटी। तो जब हम आज़ाद नहीं थे तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या थी, बिल्कुल लो थी, क्योंकि आउटपुट बिल्कुल लो होता था ऑब्वियसली, क्योंकि अब प्रोडक्टिविटी तब ना अच्छा होगा जब सीड्स अच्छा दोगे, अच्छा से इरिगेशन हो गई, और भी बहुत कुछ होती है कि अच्छे से जुताई होगी, क्योंकि आपको पता है जमींदारी सिस्टम वगैरह हुआ करता था, ब्रिटिश को सिर्फ अपने से मतलब था, जमींदार को सिर्फ अपने ज़मीन से मतलब था, जमींदार को तो पता था भाई मेरा हेरिडेटरी सिस्टम है, ज़मीन पे बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ ना कुछ आ ही जाता, क्यों पैसा लगाया जाए, तो कोई प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचता ही नहीं था। और फार्मर और टेनर्स के पास तो पैसे ही नहीं थे ना भाई, पेजेंट के पास पैसे नहीं ना थे, तो वो तो बस थोड़ा बहुत जो हो जाएगा खाना खा लेंगे वही काफ़ी है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा प्रोडक्टिविटी कितना कम था। देखो वीट का प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में, देखो वीट का कितना था, 11.1 होता था, अभी कितना होता है 2011-12 के पास में, देखो सीधा 9 गुना बढ़ गया। राइस भी देखो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया, और कोर्स सीरियल ये भी बढ़ गया, क्योंकि ये उतना लोग नहीं खाते हैं, ये लोग इसको ज़्यादा यूज करने लगे हैं। क्लियर? तो देखते हैं कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, ये बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन है, जिसमें 65-66 के आसपास बहुत ड्रॉट आई थी, 2 साल आपको पता होगा। उसके बाद देखो लो अभी हम क्या क्या देख रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, पहला प्रॉब्लम था लो प्रोडक्टिविटी, अब देख रहे हो इसमें डेटा से हमने जस्टिफाई भी किया। सेकेंड है कि बहुत बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था कि, और देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो जो प्रॉब्लम उस समय था ना, काफ़ी प्रॉब्लम आज भी है, जैसे ये वाला प्रॉब्लम कि अभी भी हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन डायरेक्ट रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि लोगों के पास वो नहीं है, पैसे नहीं होते कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके नीचे से पानी निकाल के अपने खेत में डाल सके, नहीं भाई, क्योंकि कोई परमानेंट मीन्स ऑफ पॉल्यूशन सॉरी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है फॉर इरिगेशन, लोग अभी भी बहुत काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है रेनफॉल के लिए। थर्ड, ये वाला प्रॉब्लम अब थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि ऐसे नहीं चलते, जैसे देखो रीच बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉयल एंड टीलर ऑफ द सॉयल। देखो ऑनर ऑफ द सॉयल होते हैं जैसे जमींदार टाइप, और टीलर सो होते हैं जो खेत को टिल करते हैं, यानी खेत पे काम करते हैं, खेत की जुताई करते हैं। तो इसको इंटरेस्ट था ना इसको, भाई इसके पास तो पैसे ही नहीं है ना भाई, नो वन इंटरेस्ट इन मैक्सिमाइजिंग द आउटपुट। देखो किसी को मतलब नहीं था कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करवाना है, किसी को नहीं। देखो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का सोचते तो अच्छा सीड्स, अच्छे से जुताई, अच्छे इरिगेशन, ये सब सोचते ना, लेकिन नहीं भाई, तो अच्छा फर्टिलाइज़र के बारे में, जो भी उस समय जैसा फर्टिलाइज़र आता था, चाहे ऑर्गेनिक हुआ करता तब तो और अच्छी बात थी। ऑनर को लगता था, जो ज़मीन का मालिक था, कि भाई ये मेरा हेरिडेटरी है, कौन सा हम ज़मीन खरीदे, मेरे बाबा दादाजी वो और उसके दादाजी भी खरीदे होंगे, तो जो भी आ रहा है ना बिना इन्वेस्टमेंट के सही है भाई, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। टीलर्स तो सोचता था कि भाई
हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमें बस सब्सिस्टेंस की मतलब खाने पीने का हो जा रहा है वो भी काफ़ी है। क्लियर? तो तीन प्रॉब्लम हमने देख लिया, एक था हाई वल्नरेबिलिटी, और उसके बाद था प्रोडक्टिविटी लो है कि ऑनर ऑफ द सॉयल और टीलर ऑफ सॉयल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है। मतलब क्योंकि क्या होता था पता है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, और आपको पता है कि ज़मीन के हमारे यहाँ बंटवारा हो जाता है कि पापा का ज़मीन, दो बेटा है तो दो बेटों में, फिर यहाँ ज़मीन, तो छोटे छोटे खेत बचे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बचे, तो भाई छोटे फ्रेगमेंट हमेशा अन इकोनॉमिक होते हैं और इसकी आउटपुट लो होगी ही होगी। क्लियर? तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर का ये स्थिति था, ये वाला स्थिति। अब क्वेश्चन उठता है भाई किया किसने ये स्थिति, ये स्थिति आया कैसे, कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं जिसके कारण ये स्थिति हुआ। सबसे पहला हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी जो सिस्टम था, बहुत सारे और सिस्टम था, जमींदारी, महलवारी या रैयत बारी, भाई कोई भी फार्मर के लिए, फार्मर की प्रोडक्टिविटी के लिए ऐसा काम नहीं करता था, सब ब्रिटिश को फ़ायदा पहुंचा रहा था या ज़मींदार को फ़ायदा पहुंचा रहा था। यहाँ पे देखो जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, देखो ब्रिटिश क्या किए थे, ब्रिटिश जो गांव के किसी मेन इंसान को जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसको ज़मींदार बना दिया, और भी ज़्यादा और भी कुछ होता था, समझ लो एक इंसान को ज़मींदार बना दिया। ज़मींदार को बोला गया कि गाँव के जितने भी इंसान हैं आप सबसे टैक्स वसूलो, टैक्स इन द सेंस ग्रेन के फॉर्म में, और ग्रेन का 1/11 पार्ट खुद रखो कमीशन के रूप में, और 10/11 मुझे दे दो। भाई इतनी ख़राब स्थिति होती है। देखो जमींदार आर रिकॉग्नाइज परमानेंट ऑनर ऑफ द लैंड, इसको इसको तो लग इस जमींदार को लगे कि मेरी जागीरदारी है, मुझे तो अब कोई हटाएगा ही नहीं, लेकिन बाद में इसको भी हटाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम चाहे ये ज़मींदार हटे कोई और आए, प्रॉब्लम किसको झेलना पड़ रहा है, प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है पीजेंट को, किसान को। ज़मींदार पे फिक्स सम ऑफ टू गवर्नमेंट, ठीक है ना, ज़मींदार आर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज, क्योंकि इसने बता दिया इंग्लैंड ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, 1/11 खुद लेना है। लेकिन कितना तुम लोगे और उसका 1/11 खुद लोगे, ये कितना मतलब कितना है, मतलब ये तो जमींदार पे आप छोड़ दिए, जमींदार पे छोड़ दिए तो जमींदार तो कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी मांग सकता है ना। और ऐसा था कि अगर कोई पीजेंट जमीन, अगर मान लो कोई पीजेंट का छोटा सा प्लॉट था और वो कर्ज चुका नहीं पाया, मतलब वो अगर टैक्स नहीं दे पाया, तो ये बंदा क्या जाता था, सेम जमींदार के पास जाता था कि सरकार हमें कुछ अभी आप पैसा दे दीजिए, हम अभी टैक्स चुका लेते, तब तक ये मेरा ज़मीन गिरवी रख लीजिए, हम आपको इंटरेस्ट से चुका देंगे। पर इतना हाई इंटरेस्ट रेट लेते थे कि ये बंदा चुका ही नहीं पाता था, धीरे धीरे इसका छोटा सा प्लॉट था वो भी इसके हाथ से निकल जाता है, तो जो प्लॉट इसका अपना था अगली बार उसी पे एज ए मजदूर काम करेंगे। ध्यान देख रहे हो कितना प्रॉब्लम हो रहा है, तो सीरियस डैमेज हुआ, अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन होने लगा टीलर का, कि रेट ऑफ लैंड फ्रिक्वेंटली जमींदार रेज कर देते थे, मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है ये रेज कर देते थे। अब जो ये था टीलर दे नहीं पाता था, तो इसलिए क्या करते थे कि अगर जमींदार से ही क्या कर ले तो उधार लेके टैक्स दे रहे हैं, जिससे क्या होता था कि एक समय में उधार दे चुकाया नहीं इंटरेस्ट, अब इसी अपने ज़मीन से उनको इविक्ट होना पड़ता था। अब क्या हुआ कि जो अभी छोटा सा ज़मीन था, एटलीस्ट ज़मीन था ना, अब उस वो हो गए लैंडलेस लेबर। क्लियर? इम्प्रूवमेंट कोई ज़मींदार को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, ज़मींदार ने कोई इम्प्रूवमेंट का ट्राई नहीं किया। ब्रिटिश ने तो सोचा था ना कि ज़मींदार को एटलीस्ट ऐसा कर देंगे ना, तो ब्रिटिश सोचा था कि ये ज़मीन पे इम्प्रूव करने का ट्राई करेगा तो हमें थोड़ा बहुत और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो हमारा टैक्स बढ़ेगा, लेकिन ज़मींदार को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जिसके कारण प्रोडक्शन स्टैगनेंट और बैकवर्ड हो गया। क्लियर? तो पहला प्रॉब्लम हमने देख लिया कि टैक्सेशन सिस्टम, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था फार्मर के लिए। सेकेंड प्रॉब्लम था फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर एग्रीकल्चर, फोर्स कमर्शियलाइजेशन, भाई आपको चावल दाल नहीं उगाना है, आपको उगाना है इंडिगो उगाना है,
तो भाई लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी ना कि भाई पहले चावल दाल उगा लेते थे, जस्ट खा तो लेते थे, अब इंडिगो उगाएंगे और इंडिगो भी थोड़ी ब्रिटिश अपने आप महंगा खरीदेंगे, नहीं भाई ब्रिटिश मनमानी खरीदते थे, आपको सस्ता रेट दे देते थे। तो शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, जो पहले खाने के लिए यूज करते थे, अब कल्टीवेशन ऐसे जो मार्केट में जो बिकेगा डायरेक्ट, और जैसे इंडिगो के रीजन क्यों था कि इंडिगो की ज़रूरत थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फॉर वीचिंग एंड डाइंग के लिए। कंसिक्वेंस इसका क्या हुआ, परपेक्चुअल इनडेप्टनेस, परपेक्चुअल स्टैगनेशन ऑफ, परपेक्चुअल इनडेप्टनेस का मतलब हुआ कि मतलब ज़मींदार से आपने उधार लिया, आप फार्मर हो और ज़मींदार से आपने उधार लिया, तो आप जिंदगी भर के लिए उधार चुका ही नहीं पाओगे, कि इतना इंटरेस्ट रेट होगा कि आप हमेशा डेट में ही रहोगे, आप हमेशा उधारी में ही जियोगे। भाई आपके पास हमेशा जब उधारी में ही जियोगे तो फार्मिंग हमेशा स्टैगनेंट ही होगी ना, कहाँ आपके पास पैसा कहाँ से आएगा उसकी, आप थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोडक्टिविटी के लिए सोचोगे, नहीं होगा ना भाई, आप जैसे जैसे खा लोगे वही बहुत है। क्लियर, तो हमने देख लिया एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखने हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या प्रॉब्लम था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में दो चीज़ हुआ था, ब्रिटिश जब आए थे ना तो धीरे धीरे हमें क्या किए, सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया दो तरीके से। पहला कि हमारा वर्ल्ड फेमस जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, जैसे मलमल वगैरह बिकता था, इवन लंदन में जाके बिकता था मलमल, तो वो भी अब ख़त्म होने है, ब्रिटिश इसके लिए भी उपाय किया था। उसके बाद जो हमारे मॉडर्न इंडस्ट्री थी ना वो ब्लीक ग्रोथ करने, ग्रोथ देखो ब्रिटिश के मॉडर्न इंडस्ट्री और हमारे इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस था पता है, ब्रिटिश की जब मॉडर्न इंडस्ट्री बढ़ने लगी तो लोग शहर में जाने लगे, ध्यान देना लोग शहर में जाने लगे, जिसके कारण हुआ क्या था, लोगों के लिए जॉब था, लोग शहर में जाने के लिए यार अर्बन एरिया में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा, क्लियर। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, शहर में फैक्ट्री तो इस्टेब्लिश हुई लेकिन फैक्ट्री इतना कम था कि लोग जो अभी अर्बन में थे ना, क्योंकि हमारे यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो चली गई, कोई दिक्कत उसको तो ब्रिटिश ने तबाह कर ही दिया, लेकिन हमारे यहाँ जो छोटी छोटी फैक्ट्री ओपन हो रही थी जो कम पैसे वाली, तो वो उतना जॉब कैरी कर ही नहीं सकती, लोगों को उतना जॉब दे ही नहीं सकती थी। तो जो अर्बन में थे अभी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाले, तो उनको अब जॉब नहीं है, तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, अर्बन एरिया से रूरल एरिया में जाएंगे। तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ब्रिटिश के इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ब्रिटिश के इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ, लोग रूरल से अर्बन एरिया की तरफ गए, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हुआ, अर्बन एरिया से रूरल एरिया की तरफ गए, और रूरल एरिया में कहाँ पे आए, एग्रीकल्चर में, जहाँ पे ऑलरेडी प्रॉब्लम इतना क्रिएट था, जहाँ पे ऑलरेडी स्टैग्नेशन थी। तो जो लोग अभी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री चलाते थे, एक कारीगर कहलाते थे, एक कलाकार कहलाते थे, भाई वो आ गए रूरल एरिया में कहलाने लगे लैंडलेस लेबर। भाई आप थोड़ी बोलोगे कि मुझे बर्तन बनाने आता है तो मुझे स्पेशल काम दो खेती में, नहीं भाई आपको वही काम मिलेगा जो लेबर लोग कर रहे हैं। तो हैंडीक्राफ्ट कैसे हमारा हैंडीक्राफ्ट डिक्रीज हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ब्रिटिश वांट रॉ मटेरियल एज वेल एज मार्केट। ब्रिटिश चाहते थे कि इंडिया से हम रॉ मटेरियल लेकर ब्रिटिश में भेजे और ब्रिटिश से अपना जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको लाए, ताकि इंडिया हमारे लिए एज ए मार्केट काम करे, और फिनिश प्रोडक्ट ब्रिटिश का तभी बिकेगा ना जब यहाँ पे जो फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है उसको ख़त्म करेंगे। ब्रिटिश ने ही किया, इतना सस्ता सामान ला दिया, क्योंकि ये मशीन में हाई क्वालिटी सामान बनाते थे, सस्ता बनाते थे। तो अगर यहाँ पे इंडियन 10 रुपये का बेच रहे हैं इंडियन वाला सामान, ब्रिटिश उसको 2 रुपये में बेच रहे हैं, भाई गरीबी थी, लोग लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उस समय मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि उस समय ऐसा कोई इंडियन नेशनल मूवमेंट टाइप का चल रहा था, कि उस समय कोई ऐसा रहा था कि नेशनलिज्म वाली भावना कि नहीं नहीं अपने देश का ही लेना, नहीं हो सकता वैसे। दे फाउंड इंडिया एज ए ल्यूक्रेटिव सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल भी आसानी से ले जा सकता है, यहाँ पे मार्केट भी बहुत अच्छा है। और दे डिड टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट, देखो क्या करते थे ब्रिटिश, बहुत चालाकी करता था। देखो टैरिफ फ्री, जैसे यहाँ से सामान जा रहा है, यहाँ से सामान ब्रिटिश में जाता है, तो यहाँ से सामान ब्रिटिश के कंपनी को अगर सस्ता मिल जाए तो ब्रिटिश प्रोडक्ट और सस्ता बनाएगा ना। जैसे यहाँ से आप वीट सस्ता भेजो
तो ब्रिटिश जो बिस्किट बना के भेजेगा वो सस्ता बेचेगा ना। तो यहाँ पे टैरिफ जो लगाना होता था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट टैरिफ बिल्कुल जीरो लगाती थी, और यहाँ से जो फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है उस पर भी टैरिफ जीरो लगाती थी। लेकिन ब्रिटिश यहाँ पे चालाकी खेल जाता था कि जब हमारे यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट जाता था ना, तो ब्रिटिश इस पर हैवी ड्यूटी लगा देता था कि यहाँ से 100 रुपये में कोई सामान गया था, ब्रिटिश इस पर 100 रुपये और लगा दिया ताकि 200 रुपये में यहाँ पर पहुँचे, कोई खरीदे ही ना। कॉन्सिक्वेंस इसका क्या हुआ कि लॉस ऑफ मार्केट हुआ, लॉस ऑफ इंड्यूसमेंट और इन्वेस्टमेंट, और क्योंकि मार्केट ही नहीं है, सारा मार्केट पे कौन बेच, ब्रिटिश का सामान बिक रहा है, तो हमारे यहाँ के लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे। हमारे यहाँ के लोगों को लगता है यार हटाओ, क्योंकि ब्रिटिश हमारा सामान परा का परा जा रहा है फैक्ट्री में, कोई खरीदेगा नहीं, तो हमारा हैंडीक्राफ्ट गया, लोग गए अर्बन से रूरल एरिया में। दूसरा, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। प्रिंसली कोर्ट क्या था, ब्रिटिश रूल आया, ब्रिटिश रूल से पहले क्या था, राजा थे, राजा पैट्रोनाइज करते थे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर कोई बना के, जैसे राजा अगर किसी कोई हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट वाला कोई कपड़ा बनाता था, राजा अगर उसको पहन लिया तो उसका बहुत ज़्यादा वो मार्केट बढ़ ही जाएगा ना। लेकिन अब राजा भी पेट्रोनाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्रिंसली स्टेट भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंदर हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रिंसली कोर्ट ख़त्म होने लगे, तो हैंडीक्राफ्ट डीके तो होगा ही ना होगा। दूसरा, कंपटीशन हो गया मशीन बेस्ड। भाई हमारे यहाँ हाथ से बनाते थे, हाथ से ऑब्वियसली महंगा ही बनेगा ना, क्योंकि एक दिन में एक बना रहे हैं, और मशीन से तो सस्ता बन जाता था, अच्छी क्वालिटी बन जाता था, तो कंपटीशन में कहाँ आ रहेगा। उसके बाद नए पैटर्न ऑफ डिमांड। भाई ब्रिटिश जैसे ही आया ना, तो ब्रिटिश अपने आप को बोलने लगा कि भाई मैं हूँ ना, हम लोग हाइयर रेस है, हम लोग सुपीरियर रेस है, हम लोग की तरह कोट पैंट पहनो, आप क्या धोती कुर्ता पहन रहे हो, तो हमारे तरह आप चम्मच वगैरह से खाओ, क्यों हाथ से खा रहे हो, इतनी आप डर्टी पीपल, ऐसे ऐसे बोलते थे। तो समझ रहे हो कि नए क्लास पीपल, जो नए क्लास इमर्ज हो रहे हैं, जिसको लग रहा है यार वो थोड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं ब्रिटिश लाइफस्टाइल की तरफ, उनको लग रहा है यार सही है यार, मतलब हाथ से क्यों खाना चाहिए, हैट पहनना चाहिए, कोट पैंट पहनना चाहिए। तो ऐसे जो लोग जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल की तरफ थोड़ा टिल्टेड होने लगे, उनको वो अब इंडियन सामान नहीं खरीदेंगे ना। क्लियर। इंट्रोडक्शन हुआ रेलवे के इंट्रोडक्शन से तो और ज़्यादा नुकसान होने लगा, क्योंकि रेलवे का इंट्रोडक्शन ब्रिटिश अपने फ़ायदे के लिए किया था। ब्रिटिश ने अपना सामान जो इंटरनल एरिया, इंडिया के इंटरनल एरिया तक भेजने लगा, जिससे और ज़्यादा हमारे जो गांव के एरिया में भी हमारा जो सामान अपने देश का बिकता था वो नहीं बिकने लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बिकने लगा। तो हमने देखा था कि दो प्रॉब्लम था ना, एक प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे, डीके ऑफ द वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सेकेंड हुआ ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो जो मॉडर्न इंडस्ट्री हुआ ना, उसका ग्रोथ बहुत स्लो था, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, मॉडर्न इंडस्ट्री शोड बहुत स्लो ग्रोथ। इनिशियली ओनली कॉटन, जो कि ब्रिटिश इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, एंड यहाँ पे कॉटन नहीं, यहाँ पे जूट ईस्टर्न इंडिया में, और जिसके ऑनर थे इंडियन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल, मसलिन जो बनता था, मसलिन इज ए टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल व्हिच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल पर्टिकुलरली प्लेस एंड जो ढाका बोलते हैं, तो यहाँ पे बनता था मसलिन वगैरह, जो ढाका का मसलिन होता था वो बहुत वर्ल्ड वाइड फेम कमाने लगा। लेकिन जैसे जो मलमल होता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश की पॉलिसी ऐसी थी कि यहाँ से जाएंगे आपको हैवी ड्यूटी लगेगा, तो इसके भी ख़रीदार कम होने लगे। तो उसके बाद आयरन इंडस्ट्री वगैरह हुई, जैसे टाटा जो है टिस्को हुआ वो 1907 में, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत लिमिटेड था, ये मैं आपको बता दूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत लिमिटेड था। क्या हुआ, लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस सच एज रेलवे, पावर, पोस्ट, टेलीग्राफ और कनेक्टेड टू द एरिया विच वुड इनलार्ज द शेयर ऑफ मार्केट। क्योंकि देखो हमारे पास कुछ नहीं था, सब ब्रिटिश के पास था, तो ब्रिटिश ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना शुरू कर दिया। यही बात है कि लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री थी, तो नो प्रायोरिटी वॉज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री, क्योंकि लोगों के पास कैपिटल नहीं था, और मतलब नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, कि लोग देखो ज़्यादा ध्यान किस पे देते थे, हैवी, जैसे ब्रिटिश क्या, ब्रिटिश की है बनाना है रेलवे, तो लोग रेलवे के बड़े बड़े मशीन बनाने के लिए ऐसी ऐसी फैक्ट्री खोलने लगे, या
या कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं बनाते रहते थे, कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं बनाते थे, या इसकी ये इतना कम था ना, इतना लिमिटेड था कि इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बहुत लो था। तो हमारे इवन देख रहे हो कि 1907 में, इवन 1900 के बाद ये पोजीशन थी, तो समझो 1800 के आसपास तो हमें कुछ करने भी नहीं दिया जाता था। तो हमारी ये पोजीशन थी। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फॉरेन ट्रेड देखेंगे और डेमोग्राफिक प्रोफाइल एक वीडियो में और हो जाएगा, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, और उसके बाद स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बहुत छोटा है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। चलो, थैंक यू सो मच।